नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त सिर्फ एक महिला ने मोदी की मुश्किलें बढ़ा रखी है। एक महिला की वजह से मोदी पर कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस लगातार उस महिला पर चौंकाने वाला खुलासा कर रही है। ऐसे में क्या मोदी की कुर्सी पर सवाल उठ रहे हैं तो वो महिला जेल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच की, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में माधवी बुच और उनके पति पर बड़े आरोप लगे थे। दावा किया गया था कि अडानी घोटाले में इन दोनों का हाथ है, जिसके बाद से माधवी बुच पर कांग्रेस लगातार खुलासा कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने माधवी बुच की सैलरी पर खुलासा किया था और अब एक और बात उन्होंने सामने रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया है कि सेबी अध्यक्ष पद पर रहते हुए माधवी बुच मुंबई स्थित अपनी एक संपत्ति के एवज में किराया वसूल रही थी। सेबी प्रमुख रहते हुए माधवी बुच ने संपत्ति से 46 लाख रुपए से अधिक का किराया लिया था। आप पहले पवन खेड़ा का बयान सुनिए कि उन्होंने खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया है। ये नया खुलासा है कि चेयरपर्सन जो सेबी की हैं माधवी जी, माधवी पुरी बुच जी, वो 2018 साल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। 2018 में वो सेबी की होल टाइम मेंबर बन चुकी थी। अब होल टाइम मेंबर बनने के बाद उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी एक कंपनी को किराए पे दी। फिर ये बढ़ता बढ़ता 46,05,000 इस साल तक गया। आपको लगेगा कि ये पवन खेड़ा क्यों बोल रहा है, किराए पे दिया तो किराया मिलेगा, किस कंपनी को दिया। अब सवाल यह है कि किस कंपनी को माधवी पुरी बुच जी और उनके पति के नाम की एक प्रॉपर्टी है, बंबई की ये प्रॉपर्टी है। कंपनी का नाम है कैरल इन्फो और सर्विसेज लिमिटेड, कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी ये नाम ले लेती है कंपनी का, आगे भी तो बताइए, आगे बताते हैं आपको। तो कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड वोकार्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का हिस्सा है, प्रमोटर सेम है, फिर भी आपके दिमाग में आएगा कि हां तो क्या हुआ। वोकार्ट एक ऐसी कंपनी है जिस पर माधवी पुरी बुच जी जो सेबी में हैं, सेबी लगातार वोकार्ट पर अपने ऑर्डर्स दे रहा है, उनके केसेस को डील कर रहा है। माधवी पुरी बुच जी चेयरपर्सन है, जिस संस्था की वो चेयरपर्सन है उस संस्था में वोकार्ड कंपनी के केसेस हैं, शिकायतें हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग तक का एक केस था जिसका भी सेटलमेंट माधवी पुरी बुच जी जिस संस्था में हैं, जिस संस्था की वो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उस संस्था ने वोकार्ड की इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस का भी निपटान किया। तो सुना आपने, इससे आप समझ सकते हैं कि पवन खेड़ा ने बुच पर सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है। उनका दावा है कि सेबी प्रमुख रहते हुए उन्होंने उस संपत्ति से 46 लाख रुपए से अधिक का किराया लिया था और जिस कंपनी से बुच किराया ले रही थी उस पर लगे आरोपों की जांच खुद सेबी कर रही थी, जिसके बाद से सवाल मोदी पर उठ रहे हैं कि उनके नाक के नीचे ये सब क्या हो रहा था, इसका जिम्मेदार कौन है, कितना बड़ा घोटाला चल रहा था। इस खुलासे के बाद एक खबर ये भी आ रही है कि संसदीय लोक लेखा समिति यानी पीएसी माधवी पुरी बुच के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए तैयार है और इस महीने के अंत में उन्हें तलब कर सकती है। बता दें पीएसी का नेतृत्व कांग्रेस नेता केशी वेणुगोपाल करते हैं और इसमें सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों के सदस्य हैं। अब जिस तरह से मामला बढ़ता जा रहा है उसके बाद से कहा यह भी जा रहा है कि क्या माधवी पुरी बुच जेल जाएंगी, क्योंकि उन पर कांग्रेस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और नया खुलासा कर रही है। ऐसे में ये बस कयास है कि क्या बुच जेल जाएंगे। जिस तरह से मोदी पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी कुर्सी पर बात आ रही है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बुच जेल जा सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कुछ दिनों पहले पवन खेड़ा ने दावा किया था कि माधवी बुच एक जगह से नहीं बल्कि दो दो जगह से सैलरी लेती। जी हाँ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस तरह से माधवी बुच पर आरोप लगे थे उसको लेकर पवन खेड़ा ने कहा था सेबी चीफ एक साथ तीन जगह से सैलरी ले रही थी, वो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई
प्रूडेंशियल और सेबी से एक साथ सैलरी ले रही थी। उन्हें 2017 और 2024 के बीच आईसीआईसीआई बैंक से 16.8 करोड़ रुपए की नियमित आय प्राप्त हुई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से माधवी बुच पर खुलासे हो रहे हैं और सवाल मोदी पर उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या माधवी बुच सच में जेल जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।